दीपक की आकृतियों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उनमें शक्तियां आती हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो बहुत ही सरल और सुरक्षित वाले उपाय बताऊंगी, पर ये थोड़े से लंबे समय के होंगे क्योंकि जितना हम कोई भी प्रयोग करते हैं उसको थोड़ा सा हम सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो प्रयोग हर कोई कर सके, किसी को कोई हानि ना हो। क्योंकि जब भी हम शक्तियों का प्रयोग करते हैं तब कुछ हानियां हमें भी हो जाती हैं, पर कुछ हमारे सात्विक प्रयोग कह सकते हैं या जो प्रयोग हमने खुद किए हैं, क्योंकि हम भी दरबार लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के नाम से। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई उपाय बता रहे हैं जो हमने खुद नहीं किया है या हमने नहीं करवाया है, हम औरों को भी सिखाते हैं, जो आते हैं उनको बताते हैं। तो अलग अलग जो मुझे सरल लगे या मुझे लगे कि मुझे सभी को मैं बता सकती हूँ, मैं वही उपाय बताना पसंद करती हूँ, या ये कह सकते हैं कि मेरी मजबूरी भी है कि मैं वही उपाय बताऊँ। क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति जो आते हैं वो बहुत रोते हैं कि हमने कोई उपाय किया था उससे हमें बहुत बुरे परिणाम मिले। तो मुझे लगता है कि कई बार किसी की भी बताई हुई चीज़ें किसी व्यक्ति को अगर दर्द देती हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस दर्द के भागीदार हो जाते हैं, हमें पाप लग जाता है जाने अनजाने में। तो मेरी कुछ वीडियो आप देखेंगे जो बहुत सरल होती हैं, इसलिए शायद मेरी वीडियो चलती भी कम है क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा चढ़ाकर नहीं लिख पाती हूँ या जो भी चीज़ें आप समझें। तो सबसे पहला मैं उपाय बताती हूँ, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि दीपक में जो आकृतियाँ बनती हैं उनको आप इकट्ठा करें और उनमें जो बिल्कुल कालापन होता है उसमें देसी गाय का घी, आप जो देसी गाय है उसका घी मिलाएं और उससे काजल बनाएं। अगर आपको लगता है कि आकृतियाँ से नहीं बन रहा है तो उसको बिल्कुल आप जला लें और उसका काजल बनाकर, अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे ज़्यादातर ये प्रयोग मैं उन महिलाओं को बताना पसंद करूँगी जिनके बच्चे होते हैं, और उनके बच्चों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं, जिसके कई कारण होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हैं, नज़र लगना। तो ये प्रयोग आप छोटे बच्चों पर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वो काजल बनाना है, उस काजल को आपने जो बच्चों की चोटी होती है जिसको हम बर्म स्थान कहते हैं उस पर तिलक करना है। ध्यान दे मैंने कौन सा स्थान बताया है, जहाँ पर हमारा सर का बीच का भाग होता है उस पर तिलक करना है, उनके कंठ पर तिलक करना है, और जो हमारी बिल्कुल मस्तिष्क के पीछे है भाग है उस पर हमने तिलक करना है। ये तीन तिलक हमने उसको डेली करने हैं, 21 दिन तक करने हैं। क्या क्या चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं आप ध्यान से सुने। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता है या उसको कोई ग्रह दोष है, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि कई बच्चे बोलते नहीं हैं, इसलिए उनको हम कंठ पर तिलक कहते हैं, क्योंकि उनकी जो कई बार उनकी कंठ की शक्ति रुकी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि वो बोलते नहीं हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, जबकि डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो उनकी डॉक्टर ये कहेंगे जीभ ठीक है, वो बोलना शुरू कर देंगे। तो आप वहाँ पर तिलक लगाना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई आप उनको बोलेंगे तो वो ध्यान ही नहीं देते आप क्या कह रहे हैं। तो कई बच्चे तो इसको कहते हैं कि उनका माइंड बहुत स्लो होता है, वो उस बात को ले ही काफ़ी देर में पाते हैं। जैसे आप उनको कहते हैं इधर आओ इधर आओ, और वो बहुत देर बाद उस चीज़ को समझते हैं और फिर वो आपके पास आती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हर व्यक्ति का शुरुआत में जो हमारे मूलाधार चक्कर होता है जिसको पहला चक्कर कहते हैं, वो जब तक हमारा
आगे नहीं बढ़ता है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर या जो हमारे को कोई भी निर्णय लेना हो, या ये कह सकते हैं ज्ञान नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि ये हमारा क्या लगता है क्या नहीं, उसको कौन सिखाता है, उसके माँ बाप। तो इसी तरह से ये चक्कर एक तरह से हमें बहुत ज्ञान देता है, हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है कि हम किसके साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तो इस तिलक की सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा पहला तिलक हमारी चोटी पर होना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियों का हमारा एक केंद्र बिंदु है। जिनके बच्चों के पेट खराब रहते हैं वो ये तिलक लगाएंगे नाभि स्थान पर। अगर आपके बच्चे का पेट खराब नहीं रहता है फिर भी आप चाहते हैं कि वो बच्चा बहुत उज्जवल रहे, अच्छा रहे, तो आप तिलक लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार गिरता है, बहुत बार बार उसको चोटें लगती हैं, तो उसके आपने क्या करना है, उसके जो पैर के तलवा है वहाँ पर तिलक करना है। तो आप इसमें तिलक छोटा कर सकते हैं कि भाई किसी को दिखाई ना दे, रात को कर सकते हैं। और जो चोटी पर तिलक है वो तो आप दिन में रात में जब भी आपको समय मिलता है ज़रूर करें। हाँ, ये प्रयोग हमें लगातार करना है, 11 दिन करना है। अगर किसी के घर में इस अवधि में कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई नया बच्चा हो जाता है, तो आपका उपाय भंग हो गया है, दोबारा करना है। 11 दिन का उपाय है या 21 दिन का आप ले रहे हैं, तो अगर इसमें बीच में नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है दो दिन आपने आज तिलक लगा दिया है, घर में कोई एक्सपायर हो गया है, आप वहाँ चले गए हो बच्चे को लेकर। क्योंकि उपायों में हर चीज़ का प्रभाव बहुत मायने रखता है। जो YouTube पर हम डाल देते हैं कि दो दिन में सिद्धि है, तो वो दो दिन में इतनी मेहनत करनी होती है कि बिल्कुल हमें बैठकर लगे रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी दो मिनट हम जाप कर रहे हैं फिर सारा दिन हम कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत इस लाइन में सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये प्रयोग माताएं कर सकती हैं और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। पहले माथे पर तिलक बहुत ही ज़रूरी कहा जाता है। जैसे अगर किसी का माथे पर तिलक नहीं होता तो कहते हैं उसका कोई स्वामी नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्वामी का मतलब उसका कोई भगवान नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा तिलक करें जो सबको दिखाई दे। आप सफ़ेद चंदन का या जो आपकी आकृतियाँ बनती हैं उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर उसको रख ले, उसका भी तिलक कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम।